हमें टेम्परेचर गिवन है ज़ीरो डिग्री सेल्सियस फेरानाइट में निकालना है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं सी की वैल्यू ज़ीरो डालता हूँ और एफ़ की वैल्यू निकालता हूँ अगर सी की वैल्यू ज़ीरो डालो तो इक्वेशन बन जाती है नाइन बाई फाइव इंटू ज़ीरो प्लस थर्टी टू यानी एफ़ की वैल्यू आती है थर्टी टू तो अगर टेम्परेचर है ज़ीरो डिग्री सेल्सियस तो फेरानाइट में टेम्परेचर होगा थर्टी टू डिग्री फेरानाइट ऐसे ही उल्टा निकालना है अगर टेम्परेचर है ज़ीरो डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है यही करते हैं हम टेम्परेचर है ज़ीरो डिग्री फ़ारेनहाइट तो इस इक्वेशन में मैं एफ़ की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ सी की वैल्यू निकालता हूँ ये कुछ मेरा ऐसा आ जाएगा इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा नाइन बाय फाइव सी इक्वल टू माइनस थर्टी टू यानी सी की वैल्यू आएगी माइनस फाइव बाई नाइन इंटू थर्टी टू यानी सी की वैल्यू आती है माइनस सेवनटीन पॉइंट सेवन सेवन तो अगर टेम्परेचर है जीरो डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में होगा माइनस सेवनटीन पॉइंट सेवन सेवन डिग्री सेल्सियस